नहीं जाना कहीं पे भी। कहाँ जाएगा? नहाएगा? बाय। हमें एक फ्रेंड मिली है, दिखाते हैं आपको। प्यारी सी। हमारे जियो जी को आ गया गुस्सा। हम यहाँ पे ले रहे थे बैग, बैग लिया है हमने, सोचा फिर चलते हैं ओल्ड गोवा देखते हैं। यहाँ पे सिंगम मूवी की शूटिंग हुई थी। बाय बाय गोवा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज डे 3 और यहाँ पे बारिश हो रही है यार कंटिन्यू। ये देखो, देख देख, तो ये भाई बाण है ना, गेल ही पड़ गया ये तो। भाई भाई भाई, यशु ऐसे बोल रहा है, मैं भी नहाऊंगा पर मैं इसको जाने नहीं दे रही। नहीं जाना कहीं पे भी। कहाँ जाएगा? नहाएगा? बाय बाय। नहाएगा क्यों? गुड। वो देखो, वो आ गए पापा पेटूले। नहीं जाना बेटा, नहीं। ये शू अब जिद कर रहा है, मैं भी नहाऊंगा और मैं तो नहीं जाने दूं इसको। ठंडा हो रहा है, बारिश हो रहा है ना इसलिए। हमें एक फ्रेंड मिली है, दिखाते हैं आपको। प्यारी सी। कितनी प्यारी है ये जो, कितनी प्यारी है ना। ले यहाँ एंजॉय कर रहे। यही होता है जब छोटा बच्चा होता है, तुम बैठे रहो और सब एंजॉय करे। फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। घूमने के लिए तो क्या यार, खाना खाने के लिए जा रहे हैं। घूमने का भी सोच रहे हैं क्योंकि अब धूप निकल रही है। देखो धूप निकल रही है और हमारी गुड्डू देखो। वाओ, ये हमारी यशु को देखो। यस, आज तो फूफा जी और बेटा सेम सेम हो रखे हैं। फूफा जी और बेटा सेम सेम। उधर वो देखो हमारी हीरोइन है, 16 साल की कन्याकुमारी। वो भूखे प्राणी, वो आ गए भूखे प्राणी। उनको गुस्सा आ रहा है, वो क्योंकि पेट से भूख लग रही है उनको। चलो चलते हैं, कुछ खाते हैं, थोड़ा घूमते हैं क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा है। मतलब धूप निकली है बहुत देर बाद में। चलो चलते हैं। धूप हो सकता है। हमारे जियो जी को आ गया गुस्सा क्योंकि उन्होंने क्या रोटी नहीं खाई है। भूखे प्राणी। वो बोल रहे हम तो तेज चलाएंगे, तुम आ रहे हैं तो आ जाओ, नहीं आ रहा तो मत जाओ। जाओ भूखे प्राणियों को भूख लग रही थी इसलिए आ गए हम खाना खाने के लिए। हमारे सुस्त हो गया। हम यहाँ पे ले रहे थे बैग, इसमें से बैग कौन सा लिया? बैग ये बैग लिया है हमने, अफोर्डेबल है सारे बैग्स यहाँ पे, आप बैग ले सकते हैं। इस शॉप का नाम, भाई साहब नाम तो मेरे को ही नहीं दिख रहा है, इस देख लेना भाई यार। हमने खाना वाना खाया फिर वापस आ गए। चलो सोचा फिर चलते हैं ओल्ड गोवा देखते हैं, चर्च वगैरह देखने के लिए। तो अब हमने चेंज किया, फिर चेंज करके आप जा रहे हैं हम ओल्ड गोवा देखने के लिए। कहाँ पे? पंजिम। पंजिम। चर्च देखने के लिए अच्छा है, दिखा हुआ है, सुंदर है। यहाँ पे सिंगम मूवी की शूटिंग हुई थी। अभी जस्ट हुई थी बारिश और अब निकल गई इतनी कड़ाके वाली धूप। यहाँ पे ये मौसम चल रहा है फिलहाल, धूप फिर बारिश फिर धूप फिर बारिश, बाकी अच्छा है। चलो अब जा रहे हैं हम घर पे, चले होटल पे। यार थक गए बहुत ज्यादा, ऐसे हिम्मत है ना इसके कारण। बाकी ये देखो मस्त लग रहा है ना, सुंदर लग रहा हूँ। लोकेशन लगाओ।
उसको पकड़ू। चलो मेरी ड्यूटी स्टार्ट है, मिलते हैं आपको होटल। फ्रेंड्स आज कौन सा डे है अपना? फोर्थ डे है ना, पर आज हम कहीं पे भी नहीं गए, बस यहीं पे बैठे हुए होटल के अंदर बैठे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, बस और कुछ नहीं। झूला झूलने चले गए तो वही तो पूल, वहाँ पूल के पास गई थी, यहाँ पे पूल है तो वो दिखाती हूँ। ये हमारे होटल का रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम चाय पीने आए हैं अब शाम की। क्या पीने आए हैं जी? चाय। इस बारिश में चाय की चुस्की तो बनती है। बाकी हमारे होटल का व्यू बहुत अच्छा है, व्यू बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा लग रखा है ना, हर चीज़ अच्छी है उसकी। छोटा सा रेस्टोरेंट है यहाँ पे, यहाँ पे मतलब चाय पीऊ, खाना भी खा सकते हो, सब चीज़ है यहाँ पे, अच्छा है, बेस्ट है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज हम निकल चुके हैं गोवा से, बाय बाय बोल के इनको, बाय करो गोवा को, बाय गोवा, बाय करो, बाय बाय। आज सुबह सुबह 8 बजे हम निकल चुके हैं, 9 बज रहे हैं। मैं उठ गई थी 7:30 बजे। ठीक है गुड्डू, यशु बाय कर दो, बाय बाय। सो फ्रेंड्स एक बात और बोलना चाहूंगी, इन पूरी वीडियो में ना मेरा फेस इग्नोर करना है, क्योंकि मैं कहीं पे भी बाहर जाऊं मेरी हालत यही रहती है, इग्नोर माय दिस कुंसी। मैं तो जहाँ पे आई थी तब हुआ था ये, और अब देख लो अभी भी हो रहा है। फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है, सी हमें कब से था इंतजार। यहाँ पे ना मौसम ऐसे मतलब मिनट मिनट में बारिश होती है, ऐसे होता है ना, तो इस कारण मतलब उमस रहती है, तो इतना मतलब नहीं आना चाहिए, जून जुलाई में नहीं आना चाहिए, आओ दिसंबर में आओ, यहाँ पे दिसंबर में सबसे बेस्ट रहता है मौसम, इस टाइम तो बस बारिश बारिश बारिश। बाय बाय गोवा, ये देखो थके हुए प्राणी बाय बाय कर दो, तो गोवा को बाय करो गुड्डू, बाय ये कर रहे, बाय बोल दे, बाय गोवा को बाय कर दिया यशु ने। यो मेला यो चुदू कितना काला हो गया। तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम आए हैं दिल्ली, हमारी ट्रेन पहुंची लगभग 3 बजे के करीब, 27 तारीख को 3 बजे के करीब पहुंची है लगभग, उसके बाद हम दिल्ली आए और मैं आई हूँ अपने घर पे, ये मिलते हैं हम चीजू से। हेलो बोलो चीजू, गुड्डा यशु, हेलो दिलू, हेलो दिलू, तो मोमोज खा रहे, मोमोज हैं, जय ये गाना गा रहे हैं, जय जय। तो हम यहाँ पे आप घर पे एंजॉय कर रहे हैं, मैं अपने घर पे आई हूँ, बहुत खुशी हो रही है मेरे को, फिर हम कल जाएंगे हम जल्दी, फिर हमारी ट्रिप खत्म। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज जा रहे हैं जयपुर, जयपुर की तैयारी करते हैं, वही घर जाना ही पड़ेगा, क्या करें, चलते हैं फिर जयपुर। दीदी और पहले ही चले गए थे, उनका कोई रिलेटिव रहते हैं यहाँ पे, तो वो पहले ही उधर चले गए थे, तो अब हम वहाँ पे जाएंगे, वो साथ में मिलेंगे वहाँ पे, बच्चे छोड़ने के लिए आए हैं मुझे। हेलो बोलो, हेलो हेलो याजू, आज तो मामी वाली ड्रेस पहन के आए, मामी ड्रेस सिलाई मेरे बिट्टू को। गाइस आज हमारी भाभी आई है गोवा ट्रिप करके, और भाभी हमारे लिए लाई है गिफ्ट्स, गिफ्ट्स लाई, तो अभी हमारी भाभी खोलेगी खुद की पोटली, गंदे कपड़ों से भरी और हमारी बुआजी का गिफ्ट ये रहा, बुआजी गिफ्ट आई है काजू, काजू रोस्टेड, रोस्टेड काजू, और ये सुनने ले लिए। बाबा जी कैसा लगा आपको आपका गिफ्ट? बाबा जी सर मेरा दर्द हो रहा है सर, नाराज हो रही है, बुआजी को घुमाने नहीं ले गए।
ये गाइस ये मेरा गिफ्ट, तो गाइस मेरा गिफ्ट हो गया और अब हमारी भाभी निकाल रही है हमारे गिफ्ट नहीं, ये मतलब काम की चीजें है गाइस। ये हमारी भाभी लाई खुद के लिए, खुद के लिए एप्रन इसको पहन के बनाएंगे भाभी खाना। और ये है हमारे फूफा जी के लिए, बट गर्मियाँ ज्यादा बड़ी हो रही है कपड़े ये रहे सुम्मो पहलवान के रहे, और वो रहा सुम्मो पहलवान उधर खुद की माँ के पास। गाइस ये थी हमारी हमारी गिफ्ट्स, और बाकी इसके अंदर भर रहे कपड़े गंदे, यशु की टी शर्ट। वाह, ओके, अच्छा।